जय जगन्नाथ। मो ना मानगोविंद आपटु, मु महाप्रभुंकर गोटे छोटिया सेवक। अक्षय तृतीया बा चंदन लागि पवित्र अक्षय तृतीया माने महाप्रभुंकर वैशाख मास शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को अक्षय तृतीया भाबरे आपण माने जानछन। ए पवित्र अक्षय तृतीया रे महाप्रभुंकर पाखरे श्रीमंदिर रे श्रीजीव मानक पाखरे स्वतंत्र नीतिकाति अनुष्ठित होई तथा महाप्रभुंकर शरीर रे गंध बा चंदन लागि करा जाय। गंध द्वारा अधुरा दृष्टा नित्या पृष्ठा करिष्णि ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपं भविष्यं। एही गंध बा चंदन पूर्व रात्रिरु अर्थात अक्षय तृतीयार पूर्व दिन रात्रिरु खटुआरी सेवायत माने एहाकु प्रस्तुत करी भोगमंडप घरे अधिवास करंतु। एही अधिवास रे थिबा अर्थात ता परदिन पवित्र अक्षय तृतीया दिन महाप्रभुंकर श्रीमंदिर रे सकाळ धूप संपन्न होला परे तो चंदन को मंदिर बेढ़ तीन थर परिक्रमा करा जाए। परिक्रमा कर सारा पर महाप्रभुंकर श्रीअंग लागी सेवक तथा भीतरछ महापात्र अति महापात्र उदिरस्त पूजापंडा एवं पुष्पाक सेवायत द्वारा संस्कार करा जी महाप्रभुंकर श्रीअंग चंदन लागी करा जाए। चंदन लागी संपूर्ण हो सारा पर पूर्व प्रस्तुत कर रखि दयनामाली सेवायत महाप्रभुंपाई शुक्ल सुवासित फूल चूल माल कफा एवं चौसरा आदि अलका प्रस्तुत करी खुंटिया को देखते खुंटिया पुष्पाक को दे था पुष्पाक मैंने महाप्रभु श्रीअंग अंगमंडन कर महाप्रभुंकर बेश श्रृंगार सरलापर जातभोग अनुष्ठित होता है। जातभोग महाप्रभु शीतल मणु ही कराए शीतल मणु ही पर महाप्रभु मैंने महाजन सेवायत द्वारा महाप्रभुंकर श्रीअंगरु जगन्नाथंकर प्रतिमूर्ति स्वरूप श्री मदन मोहन श्रीदेवी एवं भूदेवी और रामकृष्ण को आज्ञामाल प्राप्त होता है। पूर्वर प्रस्तुत कर सुसज्जित कर रखि विमानबुड सेवायत मैंने मणि विमान श्रीदेवी भूदेवी एवं मदन मोहन एवं गजदंत पालिंकी रामकृष्ण को महाजन सेवायत मैंने विराजमान करते मंदिर प्रांगण रु महाप्रभु को बैश पहाच दे सिंहद्वार प्रवेश करा जाए। अक्षय तृतीया जेहेतु गोटे पवित्र तिथि से दिन नक्षत्र बार एवं कालर कौन गणना न थाए तेणुक महाप्रभुंकर आउ एक नीति से संपन्न कराए। तीन बाड़ महाप्रभुंकर अधर चुंबित माल नहीं पूजापंडा मान महाप्रभुंकर आगक हो भुवनबंदित घोषयात्रार अयमारंभ कर पवित्र अक्षय तृतीया दिन पूजापंडा मैंने रथ खड़ा से तीन गोटी अधर चुंबित माल को नहीं आज्ञा स्वरूप रथ निर्माण पर महाप्रभु सहित आदेश दे था पंचुपांडव सहित महाप्रभु पटुआर नरेन्द्र पुष्करणी को यात्रा करते। नरेन्द्र पुष्करणी में चंदन चकड़े महाप्रभु को विजय करीतरछ महापात्र द्वारा शीतल जल अर्थात कर्पूर मिश्रित थंडा जल में महाप्रभु को समर्पित करेहेतु महाप्रभुंर कंठ सुखी जाइए से महाप्रभुंर शीतल जल मणई सारा महाजन सेवायत द्वारा महाप्रभु को दुई गोटी चाप अर्थात भद्राटिका एवं सुनंदा दुई गोटी धड़ा एवं नाली चापरे श्रीदेवी भूदेवी मदन मोहन को धड़ा चाप एवं नाली चापरे रामकृष्ण सहित पंचुपांडव तथा जम्बेश्वर मार्कंड लोकनाथ नीलकंठ एवं कपालमोचन मोचन को विराजमान करापर महाप्रभु को पीड़िया मनोही कराए। हड़प नायक द्वारा पीड़िया मनोही कराए शीतल उपचार सुव्यवस्था कर छत्र चामर आलटा आदि सेवा करा जाए। महाप्रभु को नरेन्द्र पुष्करणी सरोवर में नौका विहार कर सारे महाजन सेवायत मान पुनर्वार श्री ठाकुर मान को हाथ में विजे करी चंदन चका पुष्करणी में थी जगती उपर को विराजमान करते। पूर्वर जगन्नाथ बल्लभ मठ तरफ कुंडे जल सुगंधित जल में महाप्रभु मान को जलक्रीड़ार व्यवस्था कराए। जलक्रीड़ा संपन्न कर पुष्पाक सेवायत मैंने पुनर्वार महाप्रभु को स्नानादि मार्जना सारी तर अंगमंडन करती तथा शुक्ल फूल और सुवासित फूल से महाप्रभु श्रृंगार समापन करती। ता पूर्व प्रस्तुत कर रखि महासुआर सेवायत छेना मांडु अर्पण कराए। छेना मांडु भोग सर पर महाप्रभु को पुनर्वार दुई गोटी चाप को पुणी विजय कराए। पुणी दिन चाप जेपरी होता है महाप्रभुंर राति चाप पुणी से ही भाया होता है। पुनर्वार महाप्रभु को से ही शीतल उपचार पीड़िया मनोही छत
ପତ୍ର ଚାମର ଆଲଟ ଘଣ୍ଟ କାହାଳି ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରିଣୀର ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ନୌକା ବିହାର କରି ପୁନର୍ବାର ବିମାନରେ ବସାଇ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଏକୋଇଶ ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରକୁ ନୌକା ବିହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପାହାର ଚାପ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଆଉ ଏକୋଇଶ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଏହାକୁ ଭିତର ଚନ୍ଦନ କୁହାଯାଏ। ଏହିପରି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂର୍ବ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ବୟାଳିଶ ଦିନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଏ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଗୃହା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।